So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So in this video I'm going to answer all your questions, क्योंकि कल से इतने ज़्यादा comments आ रहे हैं सब बच्चों के sports से लेकर sports से related, CW quota से related. तो here I'm going to take all your doubts, all your comments. तो वॉच द वीडियो टिल लास्ट, हो सकता है आपके क्वेश्चन का भी यहीं पर आंसर मिल जाए और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए. डोंट स्किप द वीडियो इन बिटवीन बिकॉज वी विल बी कलेक्टिवली टेकिंग बोथ क्वेश्चन, मीन्स बोथ कॉमेंट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड CW कोटा. तो दोनों कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एट लास्ट. सो सबसे पहला तो स्पोर्ट्स कोटा वालों की जो प्रॉब्लम चल रही है कल से, मीन्स उनकी लिस्ट आ गई है, अलॉटमेंट हो गया है, बट उनके पोर्टल पर अभी भी कुछ नहीं दिख रहा. तो आई थिंक फॉर दिस यू नीड नॉट वरी मच अबाउट, क्योंकि ये अब सारे ऑफिशियल काम है. मींस आपको अगर लिस्ट में आपका नाम आ गया है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है, तो देयर इज़ नॉट मच टू वरी अबाउट. आप लोग आराम, जैसे ही आपके पोर्टल पर लिंक आएगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर डालने हैं, फिर आपको फ़ी का लिंक भी आएगा. अगर इस काम में DU की तरफ से कोई डिले होता है तो दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट, तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए. तो अब एक मींस बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि एडमिशन के लिए उन्हें कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है या वो पोर्टल पर ही आएगा, मींस ऑनलाइन लेना है. तो उसका आंसर है ऑनलाइन ही हो रहा है इस बार सारा प्रोसेस. यू नीड नॉट गो एनीवेयर. और यहाँ तक अंडरटेकिंग के फॉर्मेट का भी एक किसी ने पूछा है, तो वो आपकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, उसका फॉर्मेट वहीं पर है, उसके लिए वो भी ऑनलाइन ही फिल होगा, वो भी आपको जाकर कहीं नहीं देना. तो उसके बाद एक कमेंट आया हुआ है एक बच्चे का कि मैम मेरे मार्क्स स्पोर्ट्स में ज़्यादा हैं बट दूसरों के मुझसे कम है और उनको एडमिशन मिल गया है, तो व्हाई इज़ दिस. तो एक्चुअली आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो कि टाई भी होता है स्पोर्ट्स कोटा में, टाई भी होता है. अगर टाई हो जाता है तो उसमें फिर आपके 12th के मार्क्स, आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स, फिर या फिर आपकी 10th की मार्कशीट, मींस बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं. सिर्फ आपके स्पोर्ट्स के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनती है. तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस थिंग कि कोई मिस्टेक है, या फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं. बट आई थिंक कि ये मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स को मिलाकर ये लिस्ट बनाई जाती है. फिर कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट कट ऑफ मीन्स फर्स्ट लिस्ट में उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और क्या सेकेंड लिस्ट में उनको अलॉट होगा, या फिर हो सकता है उनका अपग्रेड होगा या नहीं होगा. तो आई थिंक डेफिनेटली होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे अपनी ऑप्शंस फिल करेंगे, किसी का वेरीफाई होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का मीन्स फाइनल सब कुछ होने के बाद ही ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा, तभी समझ में आ पाएगा कि मीन्स कॉलेजेस की सीट्स तो वेकेंट होंगी और फिर आपके अपग्रेडेशन भी होना ही चाहिए. और फिर अब हम आते हैं CW कोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस पे. मीन्स बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है कि अगर हमारा मीन्स अगर हमने ऑप्ट आउट नहीं किया तो क्या हमारा पिछला कॉलेज भी चला जाएगा, मीन्स पिछला कॉलेज रिटेन रहेगा या नहीं रहेगा. तो आई थिंक देयर इज़ नॉट मच टू वरी अबाउट दैट, कि अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं भी किया है तो आपका पिछला कॉलेज रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा. तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट थिंग, कि आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस थिंग ऑल्सो, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो सो दैट दिस होल प्रोसेस इज़ क्लियर टू यू, कि आपको ऑप्ट आउट करना है और किस कंडीशन में करना है और किस कंडीशन में नहीं करना है. तो आई थिंक और बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि अभी थर्ड अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी CW की या नहीं आएगी, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले. आई एम होपफुल कि शायद आएगी, और बट स्टिल यू डोंट हैव टू बी 100% डिपेंडेंट ऑन दैट, क्योंकि हो सकता है सीट्स तो वेकेंट होंगी ही अपग्रेडेशन के बाद. तो आई थिंक आनी चाहिए, बट स्टिल मीन्स वी आर नेवर श्योर अबाउट एनीथिंग अबाउट दीज यूनिवर्सिटीज़, कि 100% श्योर कोई भी नहीं होता, अचानक से कुछ भी हो जाता है. तो अब जैसा कि कल हमने सोचा था कि 19th को इन्होंने स्पोर्ट्स का बोला था, तो 19th को आ गया था, बट अभी तक अभी आपको आपके पोर्टल पे कुछ शो नहीं हो रहा. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो द ओनली थिंग इज़ दैट कि 31st तक आपका एडमिशन प्रोसेस क्लियर हो जाएगा. हाँ, एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ है कि विड्रॉ करवाना चाहते हैं वो, अगर अपना एडमिशन विड्रॉ करवाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो
उनको क्या करना है। तो उसके लिए अभी मींस एक और मैं वीडियो बनाऊंगी विड्रॉल के लिए, बट अभी तक यही है कि जब तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, मींस 31 दिसंबर तक चल रहा है, तो उसके बीच में अगर आप विड्रॉ करा लेते हैं तो आपका सिर्फ 1000 ही डिडक्ट होगा, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। बट आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि जैसे ही आपने विड्रॉ करवाया वैसे ही वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ मैटर ऑफ यूनिवर्सिटी। कोई भी मीन्स फी पेमेंट तो आपको टाइम पे करनी पड़ती है, बट रिटर्न के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो ये आप अपना माइंड मेकअप करके चलें। सो आई थिंक आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, एंड स्टिल आई रिक्वेस्ट कि आप लोग एक दूसरे के भी, बहुत सारे बच्चे हेल्प कर भी रहे हैं एक दूसरे की, कि आंसर करें एक दूसरे के कॉमेंट्स को। और स्पोर्ट्स कोटा के लिए जैसे ही आपके पोर्टल्स ओपन होते हैं, आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए और वो भी अपना चेक कर लें। सो थैंक यू everybody, if you are watching Kingdom of Learning for the first time, consider subscribing to it. और आप लोग वीडियो लाइक भी नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, लाइक भी करनी है वीडियो और शेयर भी करनी है।